24 मार्च 1882 को जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। रॉबर्ट की ये खोज आगे चलकर टीबी के इलाज में बहुत सहायक साबित हुई। 1905 में उन्हें उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रॉबर्ट कोच की खोज के सम्मान में और टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज टीबी का इलाज संभव है, जिसके कारण हर वर्ष सामने आने वाले टीबी के मामले लगातार कम हो रहे हैं। वहीं 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 तक समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए ये लक्ष्य 2025 तय किया है। भारत को टीबी मुक्त बनाने के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार की ओर से जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। 21 मार्च 1977 को लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की हार के बाद 21 महीने से चल रहा आपातकाल खत्म हुआ और इसके बाद 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया था। कांग्रेस में रहते हुए वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। मोरारजी देसाई एक प्रधानमंत्री के रूप में चाहते थे कि भारत के लोगों को इस हद तक निडर बनाया जाए कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्वोच्च पद पर ही आसीन क्यों ना हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई भी उसे उसकी गलती बता सके। मोरारजी देसाई 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। मोरारजी देसाई को भारत सरकार की ओर से भारत रत्न तथा पाकिस्तान की ओर से तहरीके पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया था और 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री सीआर एटली सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन और भारत छोड़ने की योजना के बारे में घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था। इस मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण करने की योजनाओं पर चर्चा करना था, लेकिन ये मिशन फेल रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच कई वैचारिक मतभेद थे। आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो कैबिनेट मिशन ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल था जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक ढांचे को तैयार करने के लिए भारत पहुंचा था। 24 मार्च 2008 को भूटान में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। इसी के साथ भूटान आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र बना। चुनाव लड़ने के लिए भूटान के चुनाव आयोग द्वारा दो राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया गया था। इस चुनाव में डीपीटी पार्टी ने 47 में से 45 सीटें हासिल करके जीत दर्ज की थी, जिसके बाद जिग्मे थिनले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2008 से 2013 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बता दें कि भूटान हिमालय में बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। भूटान चीन और भारत के बीच स्थित है, इसीलिए इसे लैंडलॉक भी कहा जाता है। भूटान सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ है, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर भारत का सहयोगी है। 24 मार्च 1999 को नाटो ने यूगोस्लाविया के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। ये पहली बार था जब नाटो ने किसी संप्रभु देश पर हमला किया था। ये सैन्य हस्तक्षेप, जिसे ऑपरेशन एलाइट फोर्स के नाम से जाना जाता है, कोसोवो में बिगड़ती स्थिति के जवाब में था। नाटो ने कोसोवो में तब सामने आ रही मानवीय तबाही को रोकने के लिए ये हमला किया था। ये हमले तब तक जारी रहे जब तक कि एक समझौता नहीं हो गया। इस समझौते के तहत कोसोवो से यूगोस्लाव सेना की वापसी हुई और वहां संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्थापना हुई। नाटो का हवाई अभियान 78 दिनों तक चला। हालांकि नाटो का यह हस्तक्षेप विवादास्पद था। आलोचकों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी वैधता और इसके घोषित मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था।
बता दें कि नाटो, जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है, का गठन 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा किया गया था। नाटो के सदस्य देश इस बात पर सहमत हैं कि यदि इनमें से किसी पर हमला किया जाता है तो दूसरों को उसकी सुरक्षा में मदद करनी चाहिए।